मन से। इसलिए बस ये बताना चाहती हूँ कि हिसाब कीजिए, आप अपने बेटे और बहू के लिए अपनी जान छिड़कते हैं, बदले में आपके बेटे और बहू क्या मानते हैं आपको? बाला आपकी कितनी इज्जत करता है ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और भीम और रमा का क्या है? अपने सिद्धांत है उनके, उनके सिद्धांतों के खिलाफ मैं तो क्या? आप भी जाए तो भूल जाते हैं वो कि आप उनके बाबा हैं। अब बच्ची लक्ष्मी आपकी हर बात मानती थी वो, हाँ बाबा नहीं बाबा, लेकिन आज तो उसने भी आपकी बात मानने से इनकार कर दिया। जीजा भाई, तुम मुझे मेरे बेटे और बहू के खिलाफ भड़काने आई हो? बच्चे नहीं हैं आप जो मैं आपको भड़काऊं और आप भड़क जाएंगे। और मैं कौन होती हूँ आपको भड़काने वाली? मैं तो बस आपको ये बताने आई हूँ, आग्रह करने आई हूँ कि अपने बेटे और बहू को जीवन में अकेला छोड़ दीजिए। अब आपके बेटे और बहू बड़े हो गए हैं, खुद के निर्णय लेना जानते हैं। आपसे ज्यादा समझदार हो गए हैं। आपको लगता है आपको उनके जीवन में दखल देना चाहिए? जीजा भाई, आप सब कुछ एक बाप की नजर से देखते हैं, इसलिए आपको कुछ नहीं लगता। लेकिन मैं बच्चों का अपने पति के प्रति ऐसा व्यवहार देखकर बुरा लगता है, मुझे बुरा लगता है। पत्नी ना जाने दीजिए, आखिर एक पत्नी ही समझ सकती है पति को, उसका ध्यान रख सकती है। आपकी पत्नी मैं जीजाबाई, वाह जीजाबाई, बिल्कुल सही समझाया तुमने राम जी को। अब आएगा मजा। अरे बोले ना कि ना खाएंगे हम लोग खाना, लेके जाओ यहाँ से। जोकू काका, भूखे रहने से कोई हल नहीं मिलेगा, और ना ही हम सब ये कहेंगे कि आप गिरमिटिया मजदूर बनकर जाइए। हाँ तो जब हमारी फिक्र है ही नहीं तो ये खाना खिलाकर क्या जाहिर करना चाहते हैं? बाला भैया, कुछ जाहिर नहीं करना चाहते हैं हम, बस बात इतनी सी है कि आप संबंधी हैं हमारे। आप यहाँ भूखे रहेंगे और हम सब अंदर खाना खाएंगे, ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ये खाना खा लीजिए और फिर अगर आपको धरना देना ही है तो देते रहिए और हम लड़ते रहेंगे। एक तो कानूनी लड़ाई और दूसरी लड़ाई लड़ेंगे आप लोगों की जिद से। और आप सब
किरमिटिया मजदूर बनने के लिए तैयार क्यों हुए थे? इसी रोटी के लिए ना? अब इसी का अपमान कर रहे? मत कीजिए ऐसा, खा लीजिए खाना। आप लोग सब चुपचाप खाना खा लो। करुणा बेटा खा ले। हम तुम लोग के खाना खाए का यही मतलब नहीं समझेंगे कि तुम लोग हमारी बात मान गए। खाना बस खाने रहेगा। दीपक तू खा ले खाना, अगर तू नहीं खाएगा ना तो आज के बाद तेरी आई भी कुछ भी नहीं खाएगी, चाहे वो भूख के मारे मर ही क्यों ना जाए। आई ऐसा मत कहो, लाओ खाना मैं खा लेता हूँ। ठीक है होगा तो दे दो, हम लोग भी खा ले बे। लेकिन एकर मतलब ये नहीं है कि हम धरना से उठ गए हैं। हाँ ले ओ। तो ठीक है, हम भी खाना खाते हैं। जनार्दन भाऊ आप भी खा लीजिए। वैसे तो इस चाल में हमारा कोई है ही नहीं, हमको खाना कौन देगा? कायदे से तो हमें बहुत पहले इस चाल को छोड़कर गिरमिटिया मजदूर बनके चले जाना चाहिए था। अरे नहीं हितेश भाऊ, दिल छोटा मत करो, हम तुम्हारे लिए भी खाना लेकर आए हैं। ये ले लो खाओ। खाओ हितेश भाऊ। देखा हितेश, इतना प्यार तुझे विदेश में नहीं मिलता जितना प्यार तुझे इस चाल में मिल रहा है। खा ले खाना बेटा, सब खा रहे हैं। ले तू भी ले, बैठ इधर ले, बैठ बैठ। भैया आपको दिक्कत भीमराव से और बाबा से है ना? ये खाना है, खाना तो आपका दुश्मन नहीं है, खा लीजिए।